नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो दोस्तों आज मैं गुरुवार का यानी कि गुरु ग्रह को मजबूत करने का एक बहुत ही खास और बहुत ही छोटा सा उपाय लाया हूं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों गुरु जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि हमारी ज्ञान की, हमारी बुद्धि की क्षमता को बढ़ा देता है। और दोस्तों अगर ज्ञान हमारा मजबूत है, हमारी बुद्धि यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता मजबूत है, तो हमारे लिए इस दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हर कार्य को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी कि हर कार्य में हम बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर वो चाहे नौकरी है, तरक्की है, धन संबंधित है या वैभव है, यानी कि हर चीज हम अपने ज्ञान से, अपनी सोच से बहुत आसानी से अर्जित कर सकते हैं। और दोस्तों ग्रह जो होते हैं ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, यानी कि इंसान का जो शरीर है दोस्तों ये बहुत ही खास है। यानी कि प्रकृति ने इंसान को बहुत ही सबसे ज्यादा, यानी कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबसे ज्यादा सोचने समझने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी है। और इंसान में इतनी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में भी आप विजय प्राप्त कर सकता है। और आज आप देख रहे हैं साइंस चंद्रमा में, चंद्रमा छोड़ो कितना अंतरिक्ष में कहां कहां घूम के आ गया है। तो दोस्तों सिर्फ इंसान में ही इतनी ताकत है जो जो चाहे इस ब्रह्मांड में सब कुछ कर सकता है, बस अपनी सोच बदल के, अपनी सोच को, ज्ञान को मजबूत करके। और दोस्तों ज्ञान मजबूत तभी हो सकता है जब गुरु की हम पर कृपा हो। दोस्तों जैसे सूर्य हमारी पृथ्वी से करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर है लेकिन हमारी जिंदगी में उसका प्रभाव पड़ता है, वैसे ही दोस्तों ब्रह्मांड में जितने भी, यानी कि हमारे प्लैनेट में जो 9 ग्रह हैं, तो जैसे सूर्य का हमारी जिंदगी में प्रभाव पड़ता है, ये सभी ग्रह हमारी जिंदगी में प्रभाव डालते हैं। दोस्तों इसका प्रैक्टिकल देखना है कि ग्रह हमारे साथ में कैसे प्रभाव डालते हैं, तो आपको एक खुद से एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अमावस्या और पूर्णिमा के 3 दिन पहले आप इस चीज को प्रैक्टिकल करिएगा कि अमावस्या आने के 3 से 4 दिन पहले आप जो इन जैसे पूर्णिमा निकल गई है, अब अमावस्या आने वाली है, या फिर अमावस्या निकल गई है पूर्णिमा आने वाली है, तो पूर्णिमा से लेके यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में आपने जिस बात पे ज्यादा सोचा होगा, आपने अगर दुख ज्यादा सोचे हैं कि दुख के बारे में, तकलीफ के बारे में ज्यादा सोचा है, तो इन 4 दिनों में सूरज चांद के पूरे होने से पहले, पूर्णिमा आने से पहले, आपके ये थॉट्स आपको बहुत परेशान करने लगेंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। यदि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहे, आप सुख के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो आप इन 4 दिनों में बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो इसलिए दोस्तों कि चंद्रमा जो होता है ये पानी, पानी को कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी में क्या है कि 75% पानी है, ये ऊपर की तरफ खींचता है, और हमारे जो थॉट्स होते हैं पानी के थ्रू हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो हम इन चीजों में ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको अगर खुश रहना है तो आपको हमेशा अच्छी बातें सोचनी होंगी। तो दोस्तों आज बात, अब बात करते हैं आगे के उपाय के बारे में। तो दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीन ग्रंथों में, सनातन धर्म में जो गूढ़तम रहस्य, खास उपाय, टोने टोटके, उन सभी की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको करना बस ये है कि गुरुवार के दिन आपको माथे पे, सबसे पहली बात दोस्तों कि इस उपाय से आपके दो ग्रह कंट्रोल में हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव फल देना शुरू कर देंगे। एक तो सूर्य और दूसरा गुरु। सूर्य मजबूत होगा आपको धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, और गुरु मजबूत होगा दोस्तों तो इससे आपको धन संपत्ति वैभव सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों मैं आपके सामने पूरे 9 ग्रह के उपाय लेकर के आऊंगा। अभी मैंने आपको मंगलवार का उपाय दे दिया है, बुधवार का उपाय देना है, दे चुका हूं, अभी गुरुवार का उपाय। अगर दोस्तों आपने 9 ग्रहों को कंट्रोल में कर लिया, यानी कि इनको अपने आप अपने उसमें प्रतिकूल बना लिया आपने, तो आपकी जिंदगी में समस्याएं बहुत ही इजीली आपके साथ में दूर हो जाएंगी, आपको लगेगा ही नहीं आपकी जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं। तो दोस्तों गुरुवार के दिन आपको उपाय जो करना है, आपको ये करना है कि गुरुवार के दिन जब आप नहाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि एक चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में मिला लें और उसी पानी से आपको स्नान करना है। और दूसरा, हर गुरुवार के दिन आपको माथे पे तिलक करना है। ये जो आज्ञा चक्र होता है दोस्तों, इसे बोला जाता है आज्ञा चक्र,
इसका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें तिलक किया जाता है, इसलिए किया जाता है इसको मजबूत करने के लिए। दोस्तों कभी आप बात को ध्यान देना कि आप किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिले हैं, आपने कभी देखा होगा कि किसी व्यक्ति से आप कभी मिले ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अचानक से वो सामने आ जाता है तो आपको उसको देखिए गुस्सा आता है, बिना वजह ही गुस्सा आएगा आपको, देखिए उसको चिड़ छूटेगी। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि उसका आज्ञा चक्र जो है और आपका आज्ञा चक्र मैच नहीं हो रहे हैं, उसका आभामंडल और आपका आभामंडल मैच नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा ज्ञान होता है लेकिन कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए और वो हमसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है तो हम उसकी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, सीधे हाँ कर देते हैं, क्योंकि उसका आज्ञा चक्र मजबूत होता है। तो आपके अपने आज्ञा चक्र को मजबूत करना है और इस विधि से आप अगर रोज माथे पे आज्ञा चक्र में अगर आप तिलक करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र मजबूत हो जाएगा और गुरु मजबूत होगा तो आपके साथ में गुरु के आरक्षण में जो भी चीज आती है, धन संपत्ति वैभव, वो सब चीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा उपाय दोस्तों कि आपको अपनी नाभि में नहाने के बाद में आपको अपनी नाभि में हल्दी का तिलक गुरुवार के, हर गुरुवार को आपको करना है, हर गुरुवार के दिन में आपको अपनी नाभि में हल्दी का तिलक और माथे में हल्दी का तिलक लगाना है। आप इसको रोली बना के भी कर सकते हैं, हल्का सा चूना मिला के लाल हो जाएगा तो इसका भी माथे पे तिलक कर सकते हैं। आप रोज करेंगे तो ये और भी अच्छा है, लेकिन आप रोज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गुरुवार के दिन ये उपाय करना ही करना है, माथे पे और अपनी नाभि पे आपको हल्दी का तिलक करना है। ऐसा करने से गुरु आपका मजबूत होने लगेगा और साथ में साथ सूर्य भगवान की कृपा भी आप पे होने लगेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है दोस्तों जो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और नवग्रह को आपने यदि दोस्तों अगर मजबूत कर लिया तो फिर तो दोस्तों करोड़पति भी करोड़पति बन जाएगा, देर नहीं लगती है, क्योंकि नवग्रह अगर एक साथ कृपा करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी, आप जो चाहेंगे वो होने लगेगा, आपके सोचने मात्र से आपके कार्य बनने लगेंगे, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने लगेगा। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए हर एक उपाय प्रैक्टिकल होते हैं, आप अगर विश्वास के साथ इसको करेंगे तो आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा, और जो विश्वास नहीं करते हैं तो दोस्तों उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता, अंधविश्वासी जो लोग हैं उसको मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन आप विश्वास करते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करिए। दोस्तों कितना टाइम लगेगा आपको ये उपाय करने में, लेकिन आपके साथ में जिंदगी में बहुत ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिएगा, इससे माता रानी की और दैव कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।